देवरिया के तनु बिटिया ने यूपीएससी का एग्जाम निकालकर देवरिया का मान और सम्मान बढ़ा दिया है। उसका पढ़ाई आर्मी स्कूल गोरखपुर से हुआ जी, फर्स्ट से ट्वेल्थ तक उसने। बच्चियों को कोई छोड़ता नहीं है पढ़ने के लिए। लोग कहते हैं कि बच्चियां जब जाएंगी तो उनके साथ होनी अनहोनी शायद हो सकता है, इसीलिए बच्चियों को आज के दौर में देखी जाए तो फूल आज़ादी नहीं मिली है। लोग ये सोचते हैं कि बच्चियां कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप देखिए कितनी कितनी बड़ी बड़ी जगह पर आजकल लड़कियाँ कुछ ना कुछ कर रही हैं। देवरिया के तनु बिटिया ने यूपीएससी का एग्जाम निकालकर देवरिया का मान और सम्मान बढ़ा दिया है। देवरिया की तनु बिटिया के घर पे हैं जो देवरिया के पूरे देश में नाम कर रही हैं और पूरे प्रदेश में नाम कर रही हैं, जिले में नाम कर रही हैं, पूरे गांव का नाम कर रही हैं। सबसे पहले उनके पिता हैं तनु बिटिया की, और सबसे पहले पिताजी से बात करना चाहेंगे। पिताजी आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी बिटिया यूपीएससी के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुकी है। हाँ थैंक यू। कैसा लग रहा अभी? बहुत अच्छा लग रहा। बिटिया तो आपकी पूरे नेशनल लेवल का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दी, कभी सोचे थे कि हमारी बिटिया इतना आगे जाएगी? नहीं सोचे तो नहीं, अभी सब हो गया निकाल दी, सोचे तो नहीं थे, नहीं तो सफलता फायदा कर दी। हाँ एक बात बताइए कि तन्नू बिटिया क्या करती थी, इतना पढ़ने में तेज कैसे थी? क्योंकि बच्चे बच्चियाँ बहुत पढ़ते हैं, लेकिन इतना तेज तरार, आप कह रहे हैं कि पायलट का भी पेपर निकाली थी और तमाम एग्जाम क्वालिफाई कर चुकी हैं, लेकिन बचपन में कैसे कैसे आगे बढ़ी, थोड़ा सा हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। शुरुआत ही से उसका पढ़ाई में तेज थी। एमएससी की बीएचयू से, बीएससी एमएससी के फ्रांस भाषा की, वहाँ से पढ़ी बीएचयू से, वहीं तैयारी शुरू की। एक बात बताइए कि कितने भाई बहन हैं? एक लड़का एक लड़की है। एक लड़का एक लड़की है। लड़का सीए कर रहा है। सीए कर रहे हैं। हाँ सीए की तैयारी कर रहे हैं। हाँ सीए कर रहा है। पिताजी आप क्या करते हैं? मैं फौज में नायक हैं। फौज में नायक अभी भी है ना? अभी भी है। देखिए एक तनु बिटिया अब आईएएस के पदवी पर चल गई हैं और पिता जो हैं फौज में नायक हैं, और बड़ा गर्व होता होगा जब पिता फौज में नायक हों और बेटी जो है आईएएस हों। आइए और लोगों से बात करते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम है एक्स हवलदार क्लर्क मोहन सिंह। एक्स हवलदार क्लर्क मोहन सिंह। मोहन सिंह जी आप भी नौकरी कर चुके हैं? हाँ कर चुके हैं। बिटिया के बारे में हम लोग पहले जानेंगे, ये बिटिया शुरू से ही कैसी थी, क्योंकि पूरे देश में आज पूरे प्रदेश में नाम कर रही हैं और गांव का आप लोगों का नाम सबसे ज़्यादा कर रही हैं। उसका शुरू से उद्देश्य था कि मुझे किसी भी तरह से प्रशासनिक अधिकारी बनना है, आज उस उद्देश्य को रखते हुए उसने तैयारी किया और पढ़ाई में रुचि लिया और आगे बढ़ती रही। बिटिया तो यहाँ नहीं है आप लोगों की, लेकिन थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि बिटिया शुरू से ही कहाँ से पढ़ाई की, कैसे पढ़ाई की, ताकि जो बच्चियाँ आज की देख रही हैं, बहुत सारी बच्चियाँ कहती हैं मुझे घर से नहीं निकलने दिया जाता है, मुझे पढ़ने की छूट नहीं मिलती है, और ये बच्चियों के लिए बहुत बड़ा सीख है और ख़ास तौर से जो देवरिया की बच्ची रहती हैं उन लोगों के लिए सीख है, तो थोड़ा सा ये मोटिवेट करें बच्चियों को। उसका पढ़ाई आर्मी स्कूल गोरखपुर से हुआ जी, फर्स्ट से ट्वेल्थ तक उसने आर्मी स्कूल गोरखपुर से की, उसके बाद बीएससी के लिए बीएचयू बनारस में चली गई और वहीं से एमएससी की फॉरेंसिक में, और उसके बाद फ्रेंच लैंग्वेज भी वहीं से किया, और उसके बाद यूपीएससी की के तैयारी के लिए दिल्ली चली गई। दिव्य नहीं कौन सा है वो, बीजन आईएएस में उसने 2 साल कोचिंग किया और वहीं से ये सफलता मिली। चाचा ये आपको नहीं लगता था कि हमारी बेटियां अगर जा रही है बाहर पढ़ने तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आज के परिवेश में देखी जाए तो बच्चियों को कोई छोड़ता नहीं है पढ़ने के लिए। लोग कहते हैं कि बच्चियां जब जाएंगी तो उनके साथ होनी अनहोनी शायद हो सकता है, इसीलिए बच्चियों को आज के दौर में देखी जाए तो फूल आज़ादी नहीं मिली है, लेकिन आप लोगों को कैसे विश्वास था कि बच्ची को छोड़ेंगे तो उतना ही आगे जाए? हम लोग सेना में हैं, हम लोगों की पूरा देश से परिचय है कि कहाँ की क्या जैसे कल्चर है, हम लोगों को आत्मविश्वास है कि कुछ नहीं होता है, वो केवल अब मन की भावना है, और इसलिए हम लोगों को फ्री बच्चों को छोड़ा है एजुकेशन के लिए, और कुछ के लिए नहीं, एजुकेशन के लिए पढ़ाई को हम लोग सर्वोपरि मानते हैं, और ये हम लोग का यही उद्देश्य जो आज सफल बनाया है। हाँ चाचा आपको भी बहुत बहुत बधाई, और
मिठाई उठाई खाए कि नहीं? खाए हैं, मिठाई क्यों नहीं खाए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा एसके सिंह नाम है। एसके सिंह नाम, हाँ, एक्स कैप्टन। एक्स, हाँ। तो आपकी बिटिया जो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में नाम कर रही है, कैसा लग रहा है चाचा? बहुत अच्छा लग रहा है। कभी आप सोचे थे कि एक बेटी होकर वो इतना आगे जा पाएंगी? नहीं सोचे नहीं थे, बल्कि कोशिश करने से क्या नहीं हो जाता है जी। हाँ, कोशिश करने से ही होता है। जब पैदा हुई थी हमारे पास, हम लखनऊ थे, मेरा भाई लड़का पैदा हुआ था, तो वो गई थी इनकी वाइफ देख रेख में जी, जी। तो वो भी छोटी थी, एक साल बड़ी है, तो वो बहुत रोती थी। तो मैं बोला कहाँ से बच्ची पैदा हो गई? तो उस समय बहुत, जब वो पढ़ना शुरू की, बचपन में बहुत वो थी, शरारत करती थी, बाद में वो पढ़ने में बहुत अच्छी निकली। देखिए जब ये बात कहें तो हमारी रुआ खड़ा हो गई है। आज के परिवेश में देखी जाए तो जिनके बच्ची घर पे पैदा होती हैं तो वो मार देते हैं, या घर में भी मार देते हैं कि भाई बच्ची नहीं चाहिए, क्योंकि जब बच्ची पैदा होगी तो तमाम सारे उसको झेलने पड़ेंगे, समाज के ताने सुनने पड़ेंगे, और बच्ची होकर क्या कर सकती है? कुछ नहीं। शायद ये लोग भी यही सोचे थे, लेकिन आज एक बच्ची ने इनके घर का मान सम्मान, पूरे देश का, पूरे प्रदेश का और अपने गांव का मान सम्मान बढ़ा दिया। और बच्ची के भाई हैं, चचेरे भाई हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? नवनीत सिंह। नवनीत भैया, आप तो हम लोग बच्चे हैं, लेकिन बच्चियां इतना आगे निकल कैसे जा रही हैं? कहा जा रहा है कि बच्चियों को दबाया जाता है, फिर भी इतना आगे चल जा रही हैं जी। इसका तो मैं मानूंगा सरकार की हमारी मदद, कि सरकार ने इतनी योजनाएं चलाई हुई हैं, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा हमें मिल रहा है अब जाके बच्चियों को जी। कभी आप नहीं सोचे हैं कि आईएएस बने हम भी उसी बच्ची की तरह? जी हम भी तैयारी कर रहे हैं उसी चीज के। जी बिल्कुल। तो लगता है कि आप भी उसी लेवल पे पहुंचेंगे, आपको विश्वास है? जी बिल्कुल विश्वास है हमको भी। आपको भी विश्वास है जी? जब हमारी बहनें निकाले तो हम भी निकाल सकते हैं। आप भी निकाल सकते हैं, जरूर निकालिए, हम मिलेंगे और आपको उस पहले ही आपको बधाई दे देते हैं, क्योंकि आपका परिवार पूरी तरह से सक्षम है। जैसे बता रहे हैं कि पिताजी, आपके जो पिताजी हैं वो लोग चार भाई हैं जी बिल्कुल, और चारों लोग नौकरी पहले से ही करते हैं जी बिल्कुल। तो समाज को क्या संदेश, बच्चियों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि बच्ची तो आज है नहीं, वो दे नहीं पाएंगे, तो आप ही बता दीजिए जी। मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा, जो उनके घर वाले हैं उनको बाहर, मतलब बच्चियों को पढ़ने दिया जाए, उनको दबा के ना रखा जाए, घर के चूल्हे चौकों में ना झोंका जाए उनको, बल्कि उनको पढ़ने के लिए बाहर भेजें ताकि वो कुछ कर सकें। वो लोग ये सोचते हैं कि बच्चियाँ कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी जगह पर आजकल लड़कियाँ कुछ ना कुछ कर रही हैं। आज दो देशों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस समय वो एक औरत है, तो बताइए जब वो प्रधानमंत्री बन सकती है तो क्या नहीं कर सकती हैं? क्या नहीं कर सकती हैं? मतलब बच्चियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जी बिल्कुल। बच्चियों को जैसे मार रहे हैं, बहुत सारे लोग गर्भ में मार देते हैं, बहुत सारे लोग वैसे मार देते हैं, बच्चियों के साथ गलत भी होता है, तो इसको लेकर आप बच्चे हैं, आप तो आईएएस की खुद ही तैयारी कर रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ संदेश समाज को देना चाहेंगे? इसलिए आपसे कह रहे हैं क्योंकि आप भी पढ़ रहे हैं और एक आईएएस लेवल का एग्जाम क्वालिफाई कर चुकी है। बच्चों को तो ये कहूँगा, बच्चियों को भी थोड़ा अपने लड़ना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए परिवार भी कितना हद तक लड़ेगा, अब जब तक आप अपने लड़ नहीं सकते तो परिवार भी आपके लिए लड़ नहीं सकता, तो आपको भी लड़ना पड़ेगा अपनी पढ़ाई करने के लिए। आपको पढ़ाई करने के लिए, मतलब अगर लड़की आप हो तो आपको लड़ना पड़ेगा पढ़ने के लिए भी। क्योंकि पढ़ा नहीं, अगर आप नहीं पढ़, आप नहीं लड़ सकते तो आप पढ़ भी नहीं सकते हैं। तो वही बात। आपके पिताजी कितने भाई हैं? चार भाई हैं। हाँ, चारों लोग नौकरी करते हैं? हाँ, चारों लोग नौकरी करते हैं, चारों लोग मेरे आर्मी में ही हैं। सब लोग आर्मी में, दो लोग रिटायर हो गए, मेरे पापा और उनसे छोटे वाले भाई, और बाकी दो अभी भाई जो हैं वो भी आर्मी में सर्व अभी मतलब हैं सर। सर्विस में ही है। हाँ। देखिए तन्नु बिटिया के पिताजी के जो चारों भाई हैं वो आर्मी के ही सर्विस करते हैं और आर्मी में भी हैं, और एक पिताजी हैं जो कहे कि हम टीचिंग छोड़कर हम आर्मी में चले गए। वो पिताजी कहाँ हैं? आप ही हैं। आप क्यों टीचिंग छोड़कर आर्मी में जाना चाहें? क्या है, आर्मी की एक अलग पहचान है, आर्मी की एक अलग पर्सनालिटी है, तो मैं चाहता था कि उसमें शामिल हूँ। हमारी सोच ऐसी थी कि जो आर्मी की एक पर्सनालिटी, अलग पहचान है, तो हर आदमी चाहता है कि मेरी अलग पहचान हो,
हाँ, और उस पहचान के लिए मैं कोशिश करके आर्मी को ज्वाइन किया था। हाँ, बड़ा गर्व महसूस होता है जब कोई आर्मी को देखता है। हम लोग खुद ही देखते हैं तो पहले सलामी ठोकते हैं भाई। जब पुलिस को लोग देखकर उतना नहीं ठोकते हैं जितना आर्मी वगैरह को, जैसे देश के जो सैनिक हैं बीएसएफ में हैं, आर्मी में हैं, उनको देखकर हम लोग पहले सलूट करते हैं, तो कहीं ना कहीं सम्मान की भावना निकलती है। लेकिन और क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आज के इस टीवी समाचार के माध्यम से? मैं चाहूँगा कि हर आदमी को एजुकेशन पर जोर दें और गांव में जैसे बच्चियों को पढ़ाए। अगर जितना ही एजुकेशन आगे बढ़ेगा उतना ही शोषण से हर आदमी बचेगा। एजुकेटेड रहेगा तो मारपीट झगड़ा बेईमानी से दूर रहेगा। ये जितने बुरे कर्म हैं वो अनपढ़ आदमी लगभग करता है, समझ रहे हैं, बुद्धि की कमी रहती है। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि हर आदमी अपने बच्चों को एजुकेट करे और अच्छा मौका दे उसको, हाँ, चाहे अपने कितना भी कष्ट सहे लेकिन बच्चों को कोशिश करे कि आगे बढ़ाएं। हम ही लोग जो आगे को बच्चों को बढ़ाए हैं, हम लोग अपने कष्ट झेले हैं, हम लोगों ने दुनिया का कोई सुख सुविधा नहीं लिया है, जितना कमाए हैं बच्चों पर ही एजुकेशन पर उनकी सुविधा के लिए किए हैं। हाँ चाचा, बहुत बहुत आप लोगों को एक बार बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। देखिए, हमारी टीम ऐसे खास खबर को पकड़ती है जिसमें बच्चियां शामिल होती हैं। बच्चियों के लिए हम बहुत दूर दूर तक जाते हैं वीडियो बनाने के लिए, रिपोर्टिंग करने के लिए, और ऐसे ही बच्चियां आगे बढ़ते रहें। मोदी जी कहा करते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बेटी पढ़ाओ और बेटा भी पढ़ाओ, क्योंकि बेटा पीछे हो गया, बेटियाँ आगे निकल गई, तो देश की बिटिया ऐसे ही आगे निकलें और बेटे भी आगे निकले। भाई मैं भी बेटा हूँ, सब लोग यहाँ बेटे ही हैं। लेकिन हाँ, एक संदेश भी है कि जो लोग बिटिया को गर्भ में मार देते हैं, जो लोग पैदा होती हैं उनको मार देते हैं बिटिया को, तो एक संदेश भी है कि सुन लीजिएगा। वो कहे भी हैं कि हमारी जब बिटिया पैदा हुई थी तो ऐसे होना था, लेकिन आज बिटिया बच गई तो पूरे देश में हम लोगों का नाम कर दी रोशन, और शायद आपकी भी बिटिया होगी, ऐसे कभी भूल कर भी मत सोचिएगा। देखिए, टीवी समाचार ऐसे बेबाक खबरों के लिए जाना जाता है। टीवी समाचार को देखना है तो यूट्यूब पर जाएं, दोस्तों साइट पर जाएं, वहाँ लिखा है @TV समाचार और लिख कर सर्च करें, सब्सक्राइब करें, बेबाक पत्रकारिता का साथ दें, समर्थन दें। तब तक लेते आपसे अलविदा, देखते रहिए टीवी समाचार। नमस्कार।